कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गोंडा से दीपिका पांडे सिंह तो चतरा से कृष्ण नंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह का नाम शामिल है। गोंडा सीट पर दीपिका पांडे सिंह भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे को टक्कर देंगी। वहीं चतरा में कृष्णानंद त्रिपाठी का सामना भाजपा के कालीचरण सिंह से होगा। धनबाद में कांग्रेस की अनुपमा सिंह भाजपा के ढूलू महतो के बीच लड़ाई है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन है। गठबंधन के तहत राज्य की 14 लोकसभा सीटों के बंटवारे का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में कांग्रेस 7, झामुमो 5 और एक एक सीट पर राजद और भाकपा माले चुनावी मैदान में उतरेंगे। झामुमो राज्य की दुमका, राजमहल, गिरिडीह और सिंहभूम सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब गोंडा, चतरा, धनबाद से भी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस तरह अब तक कांग्रेस ने झारखंड में 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।